वगैरह पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ प्रिंटर और प्रिंटर की जो टेक्नोलॉजीज थी वो चीज़ें पढ़ी थी। तो उसी को हम एक बार आपको जस्ट दिखा देते हैं। लास्ट वाले क्लास का जो बोर्ड है वो आपको हम एक बार शो कर देते हैं। तो हाँ, एक सेकेंड। ये हम लोग जो है पढ़ा था कि जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो या तो सॉफ्ट कॉपी निकालती हैं या तो हार्ड कॉपी निकालती हैं। तो हम लोग हार्ड कॉपी मॉनिटर के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, हार्ड कॉपी के बारे में पढ़ रहे थे। हार्ड कॉपी के लिए जो डिवाइस यूज होती है दैट इज द प्रिंटर, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था प्रिंटर की टेक्नोलॉजीज, डॉटेड प्रिंटर, फुल्ली फॉर्म्ड प्रिंटर और मोनोक्रोम प्रिंटर, कलर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ये टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। के कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स लाइन बाय लाइन, लाइन प्रिंटर प्रिंट्स अ लाइन एट अ टाइम, पेज प्रिंटर प्रिंट्स अ पेज एट अ टाइम, विच इज फास्टेस्ट प्रिंटर। अगर कोई भी प्रिंटर पेज प्रिंटर है इसका मतलब वो फास्टेस्ट प्रिंटर है अमंग्स ऑल। और एग्जाम्पल में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, जिसमें से डेजी व्हील प्रिंटर ये आउट ऑफ फैशन है, अभी ये यूज नहीं होता है। लाइन प्रिंटर अभी भी किसी किसी डिपार्टमेंट में, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में ये यूज होता है। और लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहाँ कहाँ यूज होता है ये हम लोगों ने यहाँ पे आगे लिखा था, बैंक, रेलवे, इलेक्ट्रिक, होम ऑफिस, फोटो प्रिंट, ये सब लिखा था, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में के बारे में हम लोगों ने लिखा था कि ये डॉटेड प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉइजी होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है, स्पीड लिखी थी और ईयर और रॉबर्ट हावर्ड जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, पुअर प्रिंटिंग, स्लो बिलिंग्स और इकोनॉमिकल प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी होती है और ये मोनोक्रोम्स होते हैं, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर में हम लोगों ने ये लिखा था कि ये फुल्ली फॉर्म्ड होते हैं, डॉटेड होते हैं, नॉन इम्पैक्ट, नॉइजलेस और क्या कहते हैं ये मोनोक्रोम और कलर दोनों होते हैं। लाइन प्रिंटर होते हैं यानी कि अ लाइन प्रिंट, अ लाइन एट अ टाइम, स्पीड और इसका ईयर वगैरह ये सब हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब आप हेडिंग डालेंगे लेजर प्रिंटर, ठीक है। अगर लास्ट क्लास कट होने पे कुछ छूट गया था तो यही छूटा होगा, इसको आप लोग एक जस्ट लिख लिया हो तो हम आगे चलते हैं। प्रगति, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आदिति, गुड आफ्टरनून। ये वाला हो गया स्क्रीन तो हम आगे निकलते हैं ना। लास्ट वाले क्लास क्योंकि कट हो गया था तो हमें लगा कि आप लोगों ने शायद ना नोट करा हो, और अगर नहीं नोट करा है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिख लीजिए, हो गया है ना, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं, लेजर प्रिंटर। अब आप लोग लेजर प्रिंटर हेडिंग डालेंगे। लेदर, और ये वाला प्रिंटर का, प्रिंटर खत्म होने के बाद इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, वो हम बता देंगे कैसे लेंगे, वही ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट ले लेंगे आपका, ठीक है। अभी से हमने आपको बता दिया है, आप अभी इनपुट डिवाइस पढ़ने के, अब इसके बाद इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। लेजर प्रिंटर जो है ये आपका एग्जाम में पूछता है फास्टेस्ट प्रिंटर कौन है, तो आप कहेंगे फास्टेस्ट प्रिंटर है ये, और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इट इज नॉन इम्पैक्ट। तो नॉन इम्पैक्ट होगा
तो इसका मतलब ये नॉइज नहीं करेगा, कम नॉइज करेगा, नॉइज लेस। और ये फुल्ली फॉर्म्ड प्रिंटर है, यानी कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, वेरी गुड क्वालिटी, यानी कि हाई क्वालिटी आप कह सकते हैं, चाहे यहां पर आप लिख लीजिए हाई क्वालिटी। और ये पेज प्रिंटर होता है, ऐसे जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्रिंटर पेज प्रिंटर है तो वो फास्टेस्ट होगा ही होगा। इसकी जो स्पीड है, ये सब स्पीड अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है, इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, एक जनरल स्पीड से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। हर प्रिंटर लेजर में ही 10 तरह के प्रिंटर आते हैं, कुछ 6,000 के भी आते हैं, 10,000 के भी आते हैं, 20,000 के भी आते हैं, 50,000 के भी आते हैं, लाख रुपए के भी आते हैं, तो इट डिपेंड्स के जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मिठास बढ़ेगी। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, स्पीड से आइडिया आपको मिल जाएगा। तो 100 PPM, PPM इज पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। ये जो 100 पेज पर मिनट है, ये कलर, मतलब कलर पेज निकालेगा तो 100 निकलेंगे 1 मिनट में, और अगर ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा तो 200 पेज निकलेंगे 1 मिनट में। ये ब्लैक एंड व्हाइट है कि अगर लेजर प्रिंटर से ब्लैक एंड व्हाइट निकाला जाए तो 200 पेज निकलेंगे 1 मिनट में, कलर निकाला जाए तो 100 पेज निकलेंगे 1 मिनट में, ठीक है। और इसके बारे में ये है कि गैरी स्ट्रोक वेदर 1969, यहाँ पे लिख लीजिए 1969, गैरी स्ट्रोक वेदर। आपको ये सन, ईयर, साइंटिस्ट, इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इस पे टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है। क्लियर है ये? अब आप लिखिए डेजी व्हील। ये हो गया, समझ में आ गया। पेज प्रिंटर आदिति वो होता है, जब पेज प्रिंटर के लिए आप फिर से पीछे जाइए, यहाँ पे समझिए ये वाला, ये पेज प्रिंटर क्या है, ये पढ़ो, ये तीनों चीजें पढ़ो आप आदिति, तो आपको समझ में आएगा कि कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। एक जैसे लिखना है उसको, मान लीजिए उसको आदिति लिखना है तो ए लिखेगा, डी लिखेगा, आई लिखेगा, IIC लिखना है तो पहले आई लिखेगा, आई लिखेगा, सी लिखेगा, एस। लाइन प्रिंटर क्या करेगा, अगर आपने 10 लाइन है और आपने कहा 10 लाइन का बायोडाटा टाइप करा और आपने कहा प्रिंट, तो 10 लाइन में से पहले पहली लाइन, पूरी लाइन एक साथ, फिर दूसरी लाइन एक साथ, फिर तीसरी लाइन एक साथ, चाहे उसमें जितने भी लेटर हो। और पेज प्रिंटर में क्या है कि एक पेज में आपने टाइप करा, मान ली एमएस वर्ड में आपने टाइप करा और आपकी 20 लाइन बनी है एक पेज में, तो जैसे ही आप प्रिंट देंगे तो पूरी पूरा पेज एक बार में प्रिंट हो जाएगा, उसी को पेज प्रिंटर कहते हैं। तो प्रिंट्स अ पेज एट अ टाइम, इसीलिए सबसे फास्ट होता है, पूरा पेज एक बार में प्रिंट करता है। समझ में आ गया? क्लियर है? फुल्ली फॉर्म्ड में, फुल्ली फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है घनश्याम? आदिति आपको समझ में आया? ओके, समझ गए। घनश्याम पूछ रहे हैं कि फुल्ली फॉर्म्ड क्या होता है। फुल्ली फॉर्म्ड के लिए फिर से आप ये वाला हमारा देखिए, स्क्रीन देखिए, इसको ये देखिए, इसमें तीन दो चीजें, एक डॉटेड और एक फुल्ली फॉर्म, दोनों साथ में समझो। डॉटेड का मतलब ऐसा प्रिंटर जो इस तरह से प्रिंट करे, डॉट 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 डॉट। तो आप देखिएगा बिजली के बिल हैं, रेलवे रिजर्वेशन, उसको ध्यान से जरा देखिएगा तो आपको डॉटेड 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 प्रिंटिंग नजर आएगी उसमें। और जैसे बायोडेटा है, ठीक है, आपका जो है क्या कहते हैं, बायोडाटा है, प्रेजेंटेशन है, इस तरह की बहुत सी क्वालिटी प्रिंटिंग जो होती हैं वो सब फुल्ली फॉर्म्ड होती हैं। तो फुल्ली फॉर्म्ड में डॉट 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 नहीं आएगा, और जो आपकी
क्या कहते हैं, जो डॉटेड प्रिंटिंग प्रिंटिंग होगी उसको हम पुअर प्रिंटिंग कहते हैं, अच्छी प्रिंटिंग नहीं मानी जाती है, लेकिन फुल्ली फॉर्म्ड को हम कहते हैं गुड क्वालिटी प्रिंटिंग। जैसे आप जॉब के लिए जब बायोडाटा सबमिट करेंगे और उसको आप डॉटेड प्रिंटर से निकाल के ले जाएंगे, तो जो जॉब देने वाली कंपनी है वो आपको ऊपर से लेके नीचे तक देखेगी एक बार के, ये देखिए आए हैं जॉब लेने और एक क्वालिटी बायोडाटा भी नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो वहां पर आप डॉट मैट्रिक्स से नहीं ले जाएंगे, आप बल्कि दुकानदार से कहेंगे बायोडाटा भैया जॉब का सवाल है, जो सबसे बेहतरीन प्रिंटर हो उससे निकालो, प्रिंटिंग बेहतरीन होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो फुल्ली फॉर्म्ड क्लियर ही है। और अब यहाँ पर ये देखो ये लिखा हुआ लेजर प्रिंटर फुल्ली फॉर्म्ड, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी तरह का? अब डालो डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये जो है कीबोर्ड की तरह, वो सॉरी टाइपराइटर की तरह इम्बॉज लेटर यूज करता था, ये कुछ इस तरह का एक व्हील बना रहता था ऐसे, और इसी व्हील में जो है यहाँ पे ए लिखा रहे, बी लिखा रहे, सी डी ई एफ जी एच आई जे 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, फिर ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट डैश जो भी और भी लेट सिंबल्स, और इसमें क्या होता था ये ऐसे आर्म लगी होती थी, आर्म जैसे टाइपराइटर में लगी होती है, तो ये जो है ऐसे घूम करके जब की हीट होती थी तो जो वो प्रिंटर जब चलता था तो प्रिंटर जैसे ही चलता था तो जो जो लेटर्स चाहिए होते थे वो लेटर्स आ करके पेपर पे हिट करते थे। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ये प्रिंटर कैसा प्रिंटर होगा, डॉटेड प्रिंटर होगा, डॉटेड प्रिंटर। जैसे ही प्रिंटर डॉटेड हो फौरन प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी होगी, पुअर हो जाएगी, पुअर प्रिंट क्वालिटी। और ये इम्पैक्ट प्रिंटर है क्योंकि इसमें इम्बॉज्ड होगा पेपर पे, इम्पैक्ट प्रिंटर, तो प्रिंटर जैसे ही इम्पैक्ट होगा वैसे ही आवाज आने लगेगी, यानी कि प्रिंटर ये वाला कैसा होगा, डेजी व्हील नॉइजी प्रिंटर होगा, ठीक है। और क्योंकि ये टाइपराइटर की तरह काम करता है तो ये प्रिंटर कैसा होगा, कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब अभी बताया था, एक कैरेक्टर एक बार में टाइप करेगा, अगर इसको IIC लिखना है तो पहले I फिर I फिर C फिर S, IIC, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है वो स्पीड 32 96 CPS, CPS हमने पहले भी क्लास में आपको बताया था, कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है, कैरेक्टर पर सेकंड। नाइनटीन सेवेंटी बाई एंड्रयू, ठीक है। और ये प्रिंटर मोनोक्रोम, मतलब मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, समझ में आ गया? कैसे पता चले कि डॉटेड प्रिंटर है, कैसे पता चले, उसमें लिखा रहेगा स्पेसिफिकेशन में। जैसे आपको मोबाइल के बारे में पता रहता है ना कि मोबाइल में रैम कितनी है, रोम कितनी है, उसका कैमरा कितना है, उसकी प्रोसेसर कितना है, तो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई आती है। उसी तरह से मार्केट में जब आप कोई कंप्यूटर प्रिंटर खरीदेंगे तो प्रिंटर के साथ आपको पूरी बुकलेट मिलेगी, ब्रोशर मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा डॉट मैट्रिक्स या डॉटेड प्रिंटर लिखा रहेगा, उसमें सारी स्पेसिफिकेशन दी हुई रहती है। अदरवाइज आप प्रिंट की क्वालिटी जैसे ही देखेंगे
तो आप प्रिंट की क्वालिटी देख लीजिए, डॉटेड अगर है तो इसका मतलब वो डॉटेड प्रिंटर है, और अगर फुल्ली फॉर्म्ड है, पूरा सॉलिड ए बी सी डी लिखी है तो वो फुल्ली फॉर्म्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया तेज सिंह? क्लियर ही है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेजी व्हील। डेजी व्हील में जो व्हील्स होते हैं, वो व्हील्स कैसे होते हैं वो देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। देखिए जब तक नेट खुल रहा है, दूसरा और आप लास्ट वाला डाल लीजिए हेडिंग, लाइन प्रिंटर डाल लीजिए हेडिंग, हेडिंग आप डालिए लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, ओके। अब यहां पर हम आपको डेजी व्हील का दिखाते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से इसका व्हील होता है, दिख रहा है आपको व्हील? थोड़ा इमेज में आप बड़ा करके देख लेते हैं हम लोग, ये है, ये देखिए, इसको अगर आप इमेज को देखेंगे ना ध्यान से, तो इस इमेज में देखिए यहाँ पर ये लेटर सिंबल में यही लेटर हिट करता है, ये इस तरह से। तो पुरानी पिक्चर्स हैं, छोटी छोटी सी पिक्चर्स हैं इसमें, ये थोड़ा सा कुछ बड़ी है पिक्चर, इसमें देखिए यहाँ किनारे किनारे ए बी सी डी ऐसे करके लिखा हुआ है, यही एक एक आर्म हिट करता है जब ये प्रिंटर चलता है, तो वो हिट करता है, तो क्या कहते हैं जैसे टाइपराइटर में नहीं होता है हिट करता है, तो देखिए ये लगता भी टाइपराइटर की तरह है, ये डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें यहाँ पे ये व्हील लगा हुआ है और ये व्हील कट 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 एक एक करके प्रिंट कर देता है, ये सामने दिख रहा है आपको। समझ में आ गया? अब आप लिखिए लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर लिखे, नाम ही इसका लाइन प्रिंटर है, तो इसका मतलब ये क्या करता है, प्रिंट आ लाइन एट अ टाइम, लाइन प्रिंटर नाम है, लाइन प्रिंटर तो लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर मतलब प्रिंट आ लाइन एट अ टाइम। ठीक है, और ये इंपैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर अगर इम्पैक्ट होगा तो क्या होगा, नॉइजी होगा, नॉइजी प्रिंटर होगा। और ये प्रिंटर जो है वो होता है आपका डॉटेड कैरेक्टर, यानी कि डॉटेड प्रिंटर होता है ये, तो क्वालिटी कैसी हो जाएगी, पुअर प्रिंटिंग होगी। ठीक है, और स्पीड इसकी हाई होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से तेज होता है ये, स्पीड इसकी हाई, क्योंकि लाइन प्रिंटर हो गया ना, तो डॉट मैट्रिक्स से तो ऐसे ही तेज हो जाएगा ये, इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो अच्छी होती है, 150 to 250 PPM, पेज पर मिनट। ठीक है, सॉरी पेज पर मिनट नहीं है, LPM, लाइन पर मिनट। तीन यूनिट आपको बताए हमने, एक आपको बताया था हमने सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकंड, एक पीपीएम पेज पर मिनट,
और एक LPM लाइन पर मिनट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहां पर हम लिख लेंगे फास्टर देन डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील। यानी कि दोनों ही डॉट मैट्रिक्स भी पुअर क्वालिटी प्रिंटिंग देता है, डेजी व्हील भी पुअर क्वालिटी प्रिंटिंग देता है। इन दोनों प्रिंटर से देता तो इनलाइन प्रिंटर भी पुअर क्वालिटी है, लेकिन स्पीड इन दोनों से तेज होती है इसकी, ठीक है। 1949 by IBM, IBM कंपनी है अमेरिका की, ठीक है, लाइन प्रिंटर। क्लियर है? अब प्रिंटर में एक और देख लीजिए कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं प्लॉटर। अच्छा, डेजी व्हील प्रिंटर से इससे ग्राफिक्स प्रिंट नहीं हो पाएगी। ग्राफिक्स मतलब पिक्चर्स, ग्राफिक्स कैन नॉट बी, सॉरी लाइन प्रिंटर में लिख दिया हमने, ये डेजी व्हील में लिखना है। और यहां पर आप ये भी लिख दीजिए कि ये मोनोक्रोम होता है लाइन प्रिंटर, मोनोक्रोम, ज्यादातर मोनोक्रोम ही होते हैं। डेजी व्हील में लिख दीजिए कैन नॉट प्रिंट पिक्चर, क्योंकि जनरली पिक्चर वगैरह प्रिंट करने के लिए इंकजेट, लेजर, ये सब यूज होता है, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेकिन डेजी व्हील प्रिंट ही नहीं कर पाता, अगर प्रिंट करवाएंगे भी तब भी नहीं प्रिंट हो पाएगा। प्लॉटर, प्लॉटर बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटर है। इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटर, क्योंकि इस प्रिंटर से हम बिल या प्रोजेक्ट या एडमिट कार्ड या रेलवे रिजर्वेशन नहीं निकालते हैं, इससे हम यूज करते हैं, यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी बैनर एंड पोस्टर्स, ठीक है। और ये छोटे छोटे पोस्टर बैनर नहीं निकालता है, इट कैन, ये यहां पर लिखते हैं, इट इज कैपेबल कैपेबल टू प्रिंट मेगा प्रिंट्स। मेगा प्रिंट्स मतलब बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स, ठीक है। प्लॉटर आर ऑल्सो used to print, also used to print map, map मतलब जो नक्शे होते हैं, ठीक है, और plotter use
पेंसिल मार्कर फॉर प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग के लिए पेन पेंसिल या मार्कर टाइप की चीज यूज करते हैं। ठीक है, ये दिखने में कैसे होते हैं प्लॉटर, ये देख लीजिए प्लॉटर। ये देखिए बड़े बड़े होते हैं, ये कुछ इस तरीके के होते हैं, ये मैप निकालने के लिए यूज होते हैं। ये देखिए बिल्डिंग का मैप निकालने के लिए यूज होते हैं, ये ऐसे होते हैं ये प्लॉटर्स। बड़े बड़े पोस्टर्स भी निकालते हैं प्लॉटर्स। ठीक है, ये देखिए बिग पोस्टर्स निकालने के लिए प्लॉटर यूज होते हैं। ये मैप्स निकाल रहे हैं, बिग मैप्स। देखिए कितने बड़े होते हैं कि यहाँ पर ये लेडी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द प्लॉटर एंड इट इज वेरी बिग, अराउंड 8 to 10 feet। तो ये प्लॉटर आते भी इसी तरह के 6 feet, 8 feet, 12 feet, 14 feet। जितनी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होती है वहां पर सब प्लॉटर ज्यादातर यूज होते हैं। जो बैनर्स पोस्टर्स आप बड़े बड़े देखते हैं वहां पर ये इसी तरह के प्लॉट। अब इससे बिल वगैरह नहीं निकलता है कि आप जो है डोसा खाने गए वहां से उतना 15 रुपए बिल निकाल के प्लॉटर पे बड़े से बैनर पे आपको पकड़ा दिए कि ये 15 रुपए हुआ। उसके लिए छोटी छोटी मशीनें आती हैं, प्रिंटिंग प्रिंटर मशीन, डॉट मैट्रिक्स वगैरह वो यूज कर लेते हैं। समझ में आ गया? पैम्फलेट वगैरह, जहां पर प्रगति प्रगति पूछ रहे हैं, आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यहां पे लिख देते हैं। ये फुल फॉर्म अच्छा हुआ आपने याद दिला दी, पूछता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम। अब तो 3D प्रिंटिंग भी आ गई है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप 3D प्रिंटर्स भी देखिए क्या होते हैं। ये तो प्लॉटर है, 3D प्रिंटर देखिए, ये देखिए 3D प्रिंटर्स, ये पूरा कटिंग ही होता है मटेरियल का, मटेरियल को कट करके बनाते हैं, ये 3D प्रिंटिंग्स है। ये देखिए पोलराइड, ये मटेरियल देखिए यहाँ से जा रहा है और ये खिलौना बन के बाहर निकल आ रहा है। ये सब इस तरह की जो प्रिंटिंग होती है ये 3D प्रिंटर्स हैं। अब तो 3D होम्स भी है आ गए हैं। देखिए 3D होम्स कैसे होते हैं, आपको एक चीज दिखाते हैं इसमें। यहाँ पर डालते हैं हम लोग 3D प्रिंटर्स, ये देखिए ये अनबॉक्स कर रहे हैं, मुझे बहुत टाइम लगेगा। ये हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं,
देखिए अब आप क्या बना रहे हैं, ये 3D प्रिंटर है, प्रिंट कर दी बोट इससे। ये देखिए बन गया, ठीक, ये है 3D प्रिंटर। अभी तो 3D हाउस भी आ गए हम, देखिए 3D हाउस, देखिए आप घर बना दे रहे हैं भाई प्रिंटर से, 3D हाउस प्रिंटर। ये देखो कमाल की चीज है ये, इसको तो आप देखेंगे मजा आ जाएगा, पूरा घर बना दे रहे हैं भाई 3D से। ये देखिए ये देखिए, ये प्रिंटर है, ये पूरा जो आपको क्रेन टाइप का दिख रहा है ना, ये प्रिंट कर रहा है दीवारों को, प्रिंट यहाँ पे मटेरियल्स वगैरह देखिए सब लग रहे हैं इसमें। ये देखिए ये पूरा कंप्यूटर से हुआ है, यहाँ पे कन्नी बसूली ये सब नहीं यूज हुआ है। ये देख फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस है, ये देखो इसको आप लोग YouTube पे डाल के देखिएगा अपने, ठीक है, समझ में आ गया। ये 3D प्रिंटर से ही है, कॉस्टली तो होता ही है ये, अब नई नई टेक्नोलॉजी है, अराउंड 1 मिलियन डॉलर, 2 मिलियन डॉलर, ऐसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा होते हैं इसपे। अभी चूंकि चलन में नहीं है ना, कोई भी चीज नई नई जब आती है तो बहुत महंगी होती है, जब ऐसे ही इसका ज्यादा यूज होने लगेगा तो वो सस्ती हो जाएगी। अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं कि सब लोग प्रिंटिंग 3D हाउस बनवा रहे हैं, तो कोई भी टेक्नोलॉजी जब नई आती है तो वो महंगी हो जाती है, ठीक है। तो वो नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो हमेशा महंगी होती है, जैसे मोबाइल जब नए आए थे तो बहुत महंगे थे, और मोबाइल जैसे 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 उसमें टेक्नोलॉजी भी हाई होती जा रही, लेकिन मोबाइल बहुत सी कंपनीज बनाती है, इसलिए मोबाइल जो है वो हर कोई हर रेंज का खरीद सकता है। उसी तरीके से इसमें भी है, ये कई कई लाख, आप अगर इंडियन करेंसी देखें तो ये घर बनते हैं 1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ के घर आते हैं ये बन करके तैयार होते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर वो प्रिंटर भी नहीं है ना, उस तरह की टेक्नोलॉजी है, तो उसको इम्पोर्ट कराने में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आएगी। तो जब ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, अब हो रहा है स्क्रीन, दिख रहा है? हाँ, नोकिया के कीपैड फोन पहले 5,000 रुपए के थे, तो खैर, तो दिस इज के आप शो स्क्रीन, स्क्रीन अभी शो तो हो रहा है ना, स्क्रीन नहीं आ रही है, चलो अब नहीं आया कोई बात नहीं। अब तो ये मेन स्क्रीन आ रही है कि नहीं, मेन स्क्रीन भी नहीं आ रही आपके मोबाइल पर, लास्ट वाली स्क्रीन, लास्ट वाली स्क्रीन कौन सी थी देख लो, ये है प्लॉटर की लास्ट स्क्रीन। हो गया, यहाँ पे ये भी लिख लो 1953 बाई रेमिंगटन रैंड, बाई रेमिंगटन रैंड,
चलो फिर ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे। दैट्स इट, थैंक यू।